दोस्तों वैसे तो आपने ट्रांसलेशन के बहुत तरीके आजमाए होंगे, मगर कभी आपने ऐसा तरीका आजमाया जिससे आप उर्दू बोलते जाएं और आपका मोबाइल उसी वक्त इंग्लिश में लिखता जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये आप कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर उर्दू में बोलूँगा लेकिन मेरा मोबाइल फ़ोन इंग्लिश में लिखता जाएगा। चलो देखते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सज्जाद हुसैन है। और आपका? मेरा नाम अली है। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप भी उर्दू बोलते जाएंगे और फ़ोन उसी को इंग्लिश में लिखता जाएगा। अब इसी कीबोर्ड में एक और भी फीचर है, वो भी आपको बताता चलूँ। इसी मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड में ये एक बटन इजी उर्दू है, इसको प्रेस करें और अब मैं जो उर्दू में बोलता जाऊँगा उसको उर्दू में ही लिखता जाएगा। चलो चेक करते हैं क्या आपके लिखने की रफ्तार अच्छी नहीं, क्या आप सही अल्फाज नहीं लिख पाते। तो कोई बात नहीं, इस जदीद दौर में कुछ भी मुश्किल नहीं। अब आप सिर्फ बोलते जाएं और फ़ोन लिखता जाएगा। और दोस्तों इस कीबोर्ड में एक और भी ज़बरदस्त फीचर है, यहाँ माइक के साथ आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद ये टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप कुछ भी बोलकर वो सेव कर सकते हैं। कुछ नोटिस वगैरह लिखना चाहें या पर्सनल इन्फो लिखना चाहें या फिर कुछ भी जो आप लिखकर महफूज करना चाहते हों तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करें, उसके बाद माइक पर क्लिक करें, फिर जो भी आपको लिखना है वो बोल के लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। उसके बाद अगर आप फंड्स तब्दील करना चाहें तो फंड्स तब्दील कर सकते हैं, और अगर आप बैकग्राउंड तब्दील करना चाहें तो बैकग्राउंड भी तब्दील कर सकते हैं। और उसके बाद आप शेयर पे क्लिक करें। अगर आप व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहते हैं या फेसबुक पर या किसी और, तो अदर्स पर क्लिक करें। और अगर आपको गैलरी में सेव करना है तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन से प्ले स्टोर को ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च में लिखें इजी उर्दू कीबोर्ड। उसके बाद आपको आप इस एप्लीकेशन का आइकॉन देख सकते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कंटेन एड्स इन ऐप परचेज। इस एप्लीकेशन का ये फ्री वर्जन है, अगर आप इसका पेड वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उसके ज़रिए आप किसी भी ऐप का पेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लें। तो सबसे पहले इनेबल इजी उर्दू पे क्लिक के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मैनेज कीबोर्ड में से इस इजी उर्दू कीबोर्ड को यहाँ से परमिशंस दे दें। उसके बाद सेलेक्ट इजी कीबोर्ड के बटन पर क्लिक करें और चेंज कीबोर्ड में से इजी उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट करें।
ओके दोस्तों, बस इतना सा काम था, इसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।